नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। पंजाब कांग्रेस में हमेशा कुछ न कुछ टेंशन बनी ही रहती है। चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाने के बाद सिद्धू ने नरमी दिखाई, तो अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। सुनील जाखड़ ने अब सक्रिय चुनावी राजनीति से इस्तीफा देकर पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति छोड़ दी है। कांग्रेस मुखिया राहुल गांधी के द्वारा पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी में आपसी कलह और तेज होने के आसार पहले से ही थे। अब सुनील जाखड़ ने चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान ठीक उसी दिन किया जब राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सुनील जाखड़ ने बताया कि उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन वो कांग्रेस की सेवा करना जारी रखेंगे। ये बड़ी बात चल रही है मीडिया में भी, आप संन्यास ले रहे हैं इस केस में? आई एम आउट ऑफ, देखिए सब बात ये है कि मैं इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा हूँ एमएलए का, और मैं आई एम आउट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब मैं आज 3 दिनों में 68 साल का हो जाऊंगा साहब, तो कहीं तो आदमी को ब्रेक लगाना चाहिए। पर आपसे भी बुजुर्ग है होंगे साहब, मैं किसी मैं देखिए कैप्टन अमरिंदर बादल साहब और कैप्टन साहब का मुकाबला सुनील नहीं कर सकता साहब। आई हैव हैड ए गुड इनिंग, ऊपर परमपिता परमेश्वर की बड़ी भारी अनुकंपा रही है, वाहेगुरु की मेहर मेर ते रही है, सारे साथियों की पंजाबियों की साढ़े ते ठंडी निगाह रही है। नहीं, जो भी मेरे कारण रहे हैं साहब, जो भी मसले रहे हैं, बट दीज आर माई इश्यूज। लेकिन राजनीति में मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा साहब, कांग्रेस की जो भी ड्यूटी कांग्रेस लगाएगी, बट आई एम आउट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राहुल जी ने जिस खुले दिल से सारी बातें की हैं, ये उनका बड़प्पन है और यही उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जिस तरह मैंने कहा, राहुल जी के राजनीतिक कैरियर का ये फैसला कि एक गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति, आप छोड़िए अगर आप सिर्फ एससी कम्युनिटी की बात करें वो भी छोड़ दिए, गरीब परिवार से उठे बच्चे को इन्होंने इतना बड़ा मौका दिया है। बातें तो सभी करते हैं, करके कौन दिखाता है? जिसके दिल के अंदर गरीब के लिए दर्द झलकता हो वो उन्होंने दिखाया। सुनील जाखड़ ने हालांकि कांग्रेस के साथ बने रहने की बात कही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी में उन लोगों की कमी नहीं है जो सीएम बन सकते हैं, मैं कांग्रेस के साथ बना रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू को भी दर्द महसूस हो रहा होगा। जाखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि दिल्ली में बैठे सलाहकारों ने कहा कि एक सिख चेहरा सीएम पद के लिए उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बता दें कि सुनील जाखड़ कांग्रेस की महिला नेता अंबिका सोनी के इस बयान से आहत हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जाखड़ ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस में हमें चन्नी और सिद्धू से ज्यादा सपोर्ट मिला, इसके बावजूद भी अनदेखी की गई, लिहाजा अब राजनीति में सक्रिय रहना ठीक नहीं है। आपको बता दें, सुनील जाखड़ ने हाल ही में दावा किया था कि अमरिंदर सिंह के कुर्सी छोड़ने के बाद 42 विधायक उन्हें सीएम पद के लिए समर्थन कर रहे थे। बावजूद इसके सुनील जाखड़ की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने पंजाब का सीएम बना दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।